कनेक्ट ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको एबीएस सेंसर की वायर खोलनी पड़ेगी। एबीएस की वायर खोलने के बाद आपको जेड लिंक का काबला खोलना पड़ेगा, जो 14 नंबर का आप देख सकते हैं। नट खोलना पड़ेगा, देख सकते हैं आप। जेड लिंक को अलहदा किया जाएगा। उसके बाद आपको जो शॉक के काबले हब के साथ अटैच हैं, ये तो 19 नंबर के हैं। कुछ गाड़ियों के 17 के होते हैं, कुछ के 14 के और कुछ के 19 के। इस ये प्रीमियम कार है, इसमें 19 के काबले जो हैं इनके बोर्ड इंस्टॉल किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये शार्क है जो हमने इस प्रीमियो गाड़ी से खोला है। ये लीक है, आप देख सकते हैं, इस लीकी में लीकेज थी और हाइड्रोलिक ऑयल इसका लीक था, देख सकते हैं आप। और ये शार्क आप देखते हैं, ये काबली लेके आए हैं इसके शार्क। जेन्युइन तो काफ़ी महंगे थे, तो फिर ये ओनर लाया रहा यार। स्टार्ट नहीं चूड़ी होते ही नहीं ना उत्ते कर से तो लग सी है ना, इस चूड़ी उत्ते हुए तले नहीं है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे हाथ डालना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी आपने मुश्किल से मैंने हाथ डाला और टाइट किया। ये सीट की बिल्कुल बैक साइड है। कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिनके बैक डिग्गी में ये सिस्टम होता है शॉक ओपन करने का, लेकिन इसका सीट के बिल्कुल पीछे था। और आप देख सकते हैं ये बकल भी अटैच करने में बड़ी मुश्किल पेश आई, लेकिन हो गया। सेटिंग कर से ना ये भी जैसी आज रात ही नेट से टेढ़ी उस्ताद है यारी शक्ल ना बिचार ना सही नहीं है नाल में शो मत कर सना टेढ़ी उस्ताद जब भी यूट्यूब पे जैसे लिख से टेढ़ी उस्ताद पी एंड के ऑटोमोबाइल दस्ती आ जैसे समझ आई है।